अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम अस्सलाम। अचानक के एक और एपिसोड के साथ मैं मोहम्मद शकील हुसैन और हमज़ा इब्न वसी हाज़िर। अच्छा हमज़ा, एक बहुत फेमस फ़िलासफ़र है, डच फ़िलासफ़र, उसका नाम है बरोग स्पिनोज़ा। उसका एक बड़ा मशहूर कोट है, बड़ा मशहूर सा एक कोल है कि हाउ नो मैटर हाउ थिन यू स्लाइस इट देयर आर ऑलवेज टू साइड्स। आज इस पर बात करनी है, क्या ले रहा है इस पर, इससे क्या लिया तूने? यार ये असल में मेरे ख़्याल में किसी भी फ़लसफ़ी पे अगर हम जो है बात करना शुरू करें तो उसमें सबसे पहले हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो किस सेंचुरी से था, क्योंकि वो यकीनन जब बात कर रहा है तो वो उस वक्त के जो है ना, मतलब उस वक्त का पस मंज़र हमें उसकी बातों में नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर वो 17वीं सेंचुरी के रैशनलिस्ट मशहूर थे, बरोग्स के, और डच फ़िलासफ़र थे। ज़्यादातर इनके भी मौजूआत एग्जिस्टेंशलिज्म से रिलेटेड थे, एक इंसान की जो इंडिविजुअल अप्रोच होती है उससे रिलेटेड वो जो है बात कर रहे होते थे कि एक इंसान पे किस किस तरह के मराहिल आते हैं और उसके बिलीव्स और उसके जो मामलात हैं वो किस तरह से जो है एक पूरी शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने मुख्तलिफ नज़रियात जो है रखने लगता है। ये जो कोट है इस तरह का कि बिल्कुल नो मैटर हाउ थिन यू स्लाइस इट देयर विल ऑलवेज बी टू साइड्स, इसमें असल में जो मुझे लगता है ये एक अच्छी बात है अगर हम इसको वैसे देखें, कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को कितना ही मतलब स्लाइस कर लें। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि हम एक ब्रेड ले लें और उस ब्रेड को बिल्कुल एंड से कट करना शुरू करें, हम कितने ही एंड से कट कर लें उसकी साइड्स दो ही होंगी। सही है। इसको अगर हम फ़लसफे की रूह से देखें, जो स्पिनोज़ा है वो जो कहना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने यही हमें एहसास दिलाने की कोशिश की है कि हम हर चीज़ की एक जहत देखते हैं और उसके बाद उस चीज़ पर फैसला करने लगते हैं कि ये चीज़ ऐसे है या ये शख्स ऐसे है। अब हम इसको किसी भी मामले पे जो है रख के कोई नतीजा निकाल सकते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को जो है ना उसकी एक जहत देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ की दो जहत भी हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हम जो एक सही गलत और अच्छाई बुराई या इस तरह के जो कॉन्सेप्शंस लेके चल रहे होते हैं, इसमें हमें सबसे पहले ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम ये भी जान लें कि हो सकता है जो चीज़ जैसी हम समझ रहे हैं या देख रहे हैं वो चीज़ वैसी हो नहीं, और हमारा इस्तेदराक जो है वो मतलब अल्टीमेट नहीं हो, चीज़ मुख्तलिफ भी हो सकती है। सही। जो मुझको लग रहा है, बाकी तो जो तूने भी क्योंकि पढ़ा है तो इस हवाले से अपनी राय दे कि इसमें क्या तुझे समझ आ रहा है और इसको किस तरह से देख। यार मैं इसको इस तरह ले रहा हूँ कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ कि यार अगर हमें कोई मिसाल के तौर पे हमें कोई बात बताई जाती है, अगर मैं मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, हमें बात बताई जाती है कि ये मामलात इसी तरीके से हैं, अच्छा तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले हमें गौर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि यार इसका कोई दूसरा पहलू भी है क्या, क्या ये बात सही हमें मिली है, हमें ये बात सही पहुँची है या कुछ चेंज हो के पहुँची है। मुझे इस तरह, तू इस बारे में क्या बोलता है? यार शकील, ये जो तूने बात की है ना इसके बारे में, बरोग स्पिनोज़ा का ही एक और कॉल मैंने पढ़ा था, वो ये था कि व्हेन पॉल से समथिंग अबाउट पीटर, सो टेल मी मोर अबाउट पॉल देन पीटर। इसको अगर हम पाकिस्तानी जहत में करेंगे तो किस तरह करेंगे? अगर हम इसको अपने माशरे और अपने अतराफ के हिसाब से बात करें तो इसमें मुझे ये लगता है कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमें कोई बात पीटर के बारे में पॉल से पता चली है, या मिसाल के तौर पर हम यहाँ के ही नाम ले लें, यहाँ के नाम लें, असल के बारे में कोई बात हमको पता चल रही है, हमको बताई है यार, शकील के बारे में कोई बात हमजा बता रहा है, हाँ इसको ऐसे तो पहले हमजा की शख्सियत को देखना होगा कि आया है कि वो शख्सियत में अपनी कितनी सदाकत रखता है, हाँ। वो दर्जा सदक पे है या नहीं है, उसकी शख्सियत कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं वो झूठ बोलता है, ऐसा तो नहीं कि वो मुबालगा आराई से काम लेता है, ऐसा तो नहीं कि वो किसी मरस का शिकार है, तो वो शकील के बारे में चाहे अच्छी बात करे चाहे बुरी करे, लेकिन वो अपने स्पेसिफिक माइंडसेट के हिसाब से बोल रहे हैं। तो यकीनन फिर जो शकील के बारे में उसने बात कही है वो सही या गलत हो सकती है, या उसने बताते वक्त उसको मुबालगा आराई से बयान किया गया हो, तो इसको हम उस तरह से देखें। तो अगर हम इसको वैसे भी देखें तो हमारे पास अगर हमारा जो तारीख़ है, मजहबी तारीख़ है, तो क्योंकि वो तो एक डच फिलोसोफर थे। यार मज़हबी तारीख पे आते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और इस पर बात करें तो जैसे हमारे माशरे में
बहुत आम है ना, बहुत आम है किसी की भी बुराई कर देना, किसी के बारे में कुछ भी कह देना। तो यार इससे बहुत अच्छी बात की है पॉल और पीटर को लेकर। अगर मैं हमदा और शकील को लेकर बात करूँ, हमारे माशरे के नाम यूज़ करता हूँ, अगर मुझे हमजा शकील के बारे में कुछ कहता है तो यार जिससे भी कह रहा है, अब्दुल्ला से कह रहा है, तो अब्दुल्ला को चाहिए कि यार पहले हमजा के बारे में पूछे ना यार। बिल्कुल ठीक है ना, हम यही बुनियादी बात है। तो हमारे यहाँ अगर इस बात को बुनियाद इस बात को समझ लिया जाए तो मेरे ख्याल से सारे मामला बहुत सारे मामला जो उलझने जा रहे होते हैं वो कम उलझेंगे। पहली बात तो इसमें यह है कि हमजा ने अगर कोई बात शकील के लिए कही है तो पहले तो हमजा का किरदार चेक किया जाए। सही है, वो आया कि कैसा है, उसके पास किसी किस्म का उसकी शख्सियत में कोई ऐसा सुकम तो नहीं मौजूद है जिसकी वजह से शकील के से रिलेटेड कोई ऐसी बात हो जाए जो अच्छी हो या बुरी हो, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हो। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा नहीं है और हमजा ने जो बोला है वो बात सही है, अब इसके बाद वो भी हमजा की राय, हो सकता है वो बात हमजा ने जो कही है वो सचमुच में उसने कही हो, बिल्कुल कॉन्शियसली कही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये हमजा ने बात कही है, ऐसा हो ही नहीं। ये फिर एक अलग से मौजूद, ये हमजा की राय है, ये हमजा की अपनी ज़ाती राय हो सकती है, मेरी ज़ाती राय है या किसी, हम आप इस पे किसी पे भी जो है रख के सोच सकते हैं। सही है। अब जो तू मजहबी बात पे आ रहा था उसको क्या कहना चाह रहा था उस पे बात करते हैं। जैसे कि क्योंकि हम मुसलमान हैं और जिस तरह से हम लोग डिस्कशंस करते हैं, बहुत कम इल्म लोग हैं और मतलब लोगों की सोबतों से सीखते रहें और पढ़ के सीखते रहें, चीज़ों को देख के समझ के तो कोशिश करते हैं। और ये इल्म तो एक ऐसा मैदान है जो जिसमें मतलब एक बार छलांग लगा दो तो इसमें जो है बहुत ही ये एक तवील सफ़र है जो ख़त्म नहीं होता है। सही है। तो अगर इस वाले कोट को कि पॉल देन पॉल समथिंग अबाउट पीटर सो टेल मी मोर अबाउट पॉल देन पीटर, उसको हम देखें तो हमारी तारीखी रवायात भी जो है वो हम तक इसी तरह पहुँची है। इस्माइल रज्जाल का कानून हम कहते हैं, ये बात बहुत बेहतरीन, इस्माइल रज्जाल अहादीस की कुतुब हमारे पास मौजूद हैं। हम ये तो बात ही नहीं कर रहे होते हैं कि ये रवायत जो है मरफू है। मरफू से मुराद जैसे कि एक मिसाल के तौर पर ये बात मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रही है कि उन्होंने फरमाया या उनको करते हुए देखा गया, तो वो चीज़ मरफू हो जाएगी क्योंकि मरफू का लफ्ज़ भी रफा से निकला है। सही। जैसे हम रफाउल यदैन बोलते हैं तो ये नबी सल्लम तक पहुँच रही है नहीं, हमारे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे होते हैं। सबसे पहले जो बड़े बड़े मुहक्किक गुजरे हैं वो देखते हैं कि इस बात को हम तक पहुंचाने में जो रावियों का इस्तेमाल हुआ है, जो रावी हैं आया कि उनके करैक्टर में उनके पैरामीटर्स के हिसाब से वो किस तरह के थे, उसके बाद उन रावियों के बारे में एक राय कायम कर लेने के बाद हम फिर किसी रवायत को मुस्तनद करार देते हैं और फिर हमारे लिए वो काबिल कबूल हो जाती है कि ठीक है ऐसा था। लेकिन जो है ले लो उसके बाद, लेकिन हमारे पास एक ये भी वो रहता है कि सबसे बुनियादी बात जो है वो यही है कि रावी कौन था, हम तक बात पहुंची किसके, हम ज़्यादा उस पर बात करेंगे ना कि उस रवायत, क्योंकि अगर वो रावी ही क्लियर हो गया हमें अब कोई मसला नज़र नहीं आ रहा तो उसके बाद वो रवायत तो मुस्तनद हो जाएगी तो वो तो हम कबूल कर ही लेंगे, अगर वो किसी हुक्म से रिलेटेड है तो हम वो हुक्म मान लेंगे। लेकिन जब तक रावी ही मुस्तनद ना होंगे या उसमें कहीं पर मतलब मुतशाबिहात होंगे तो फिर हम उस चीज़ को मानने में बहुत मतलब वो मान नहीं सकेंगे, वो हम पे हुज्जत कायम नहीं कर सकेंगे। जो इसमें बरोक स्पिनोज़ा के कॉल को अगर हम अपने ऊपर रख के देखें तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, हम अपने हिसाब से रख रहे हैं उसका, हाँ। उसकी इंटेंशन तो ऑब्वियसली ये नहीं होगी, उसने तो एक नॉर्मल एक बात कही अपने हिसाब से यार। वैसे लेकिन तो वो भी देखा जाए तो टारगेट मज़हब को ही करता, मज़हब को करता जो ज़्यादातर उसके, अब वो जिस मज़हब से भी था या फिर उसने उसके मामला थे, वो पैंथिज्म का शिकार रहे, पैंथिज्म को मतलब कबूल भी किया उन्होंने, इस तरह का भी आता है। नेचर को वो कहते थे कि यही वो ताकत है जिसको लोग खुदा कहते हैं, ये बरोक स्पिनोज़ा का मानना है, ये नेचर ही है जिसकी वजह से जो है सारी चीज़ें चल रही हैं और वही जो है गॉड को एक अलग से एग्जिस्टेंस नहीं, जिस तरह से हम मानते हैं जो हमारा ईमान है, वो कहते थे ऐसा अलग से एग्जिस्टेंस नहीं है जो मैंने पढ़ा समझा उससे मुझे ये समझ आया। तो ये क्योंकि उनका एक कोट भी बहुत मशहूर था जिस पे मैं सोच रहा था कि वी आर सो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नेचर एंड वी आर रेडी टू बिलीव व्हाट वी होप एंड रिलेक्टेंट एंड फ्रॉम द मैटर्स व्हाट वी फेयर, इस तरह की कुछ बात थी। तो मतलब वो जो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नेचर कह रहे हैं ना, असल में वो नेचर ही उनके नज़दीक मुझे लगता है वो खुदाई का तसव्वुर था जिस तरह से वो उसको मान रहे थे। और ये ज़्यादातर फ़लसफ़ी जो होते हैं क्योंकि सोचते ज़्यादा हैं तो यार मैंने देखा है, सॉरी टू कट यू, मैंने देखा है कि बहुत सारे जो ये फ़िलासफ़र्स जो होते हैं
ये मज़हब को छोड़ देते हैं और ये आगे पीछे निकल जाते हैं, इसकी क्या वजह है? यार शकील, इसमें मुझको जो लगता है ना, मतलब मेरा भी कोई इल्म मुकम्मल तो नहीं है हम लोगों का, मुझको ऐसा लगता है कि हम जब फ़लसफ़ियों को पढ़ना शुरू करते हैं हमारे माशरे में, अक्सर मैंने खुद जो ज़ाती तौर पर चीज़ें महसूस की हैं कि जब मैं फ़लसफ़ा पढ़ना शुरू करूँ एक ईमान वाला होने की हैसियत से, तो मुझको रोका जाता है, नहीं पढ़ना, तुम गुमराह हो जाओगे, तुम्हारे जो है नज़रियात चेंज हो जाएंगे। मुझको ये तो मौलवियों की बातें कर रहे हैं यार, मैं तो इसमें सबकी बात कर रहा हूँ, मतलब अगर ये बात मुझे कहीं अपने किसी खानदान में शख्स ने कह दी है तो वो तो मौलवी नहीं थे ना। अरे वो उसको, उसने भी बेचारे ने मौलवी से सुना था यार, जो भी है अब उनका भी यही माइंड सेट है। तो मुझको ये लगता है कि हम किसी भी फलसफी को पढ़ते हुए जब वो मज़हब से रिलेटेड बात करता है ना, तो हम उसको इस्लाम पे उठा के डायरेक्ट फिट करते हैं कि अरे ये तो गलत बोल गया इस्लाम पे। फलसफी इस्लाम और मज़ाहिब से बालातर बात कर रहा होता है और अपनी बात बता रहा होता है, उसमें यकीनन उसका इख्तलाफ सबसे ही हो जाएगा। तो हम उसको टिपिकली इस्लाम से बिलोंग ना करें, हम उसको हर चीज़ पर रखें, हर मतलब हर मज़हब की बात हो रही है, और ये भी उसका इस्तेहफाम है, हो सकता है गलत हो। फलसफी जो कह रहा है वो कहीं ना कहीं ये भी कह रहा होता है कि हो सकता है मैं गलत भी हूँ। मतलब डार्विन ने इतनी बड़ी एवोल्यूशन थ्योरी के मुकदमे में शुरू में ही शायद लिख दिया था कि ये मेरा अंदाज़ है कुछ इस तरह का। हाँ ऐसा ही है। और इतनी बड़ी थ्योरी उस पर लोग बिलीव ले आए, जबकि डार्विन अभी तक खुद नहीं खड़ा हुआ है उस पर, लेकिन लोग ईमान ले खड़ा। ये मेरे लिए ज़रा सा मामला मशकूक हो जाता है कि हमें इल्म को इल्म रखना चाहिए, और इल्मी रेजगी का सफ़र जो है चलता ही इदराक पे है। हम मुख्तलिफ चीज़ें दरियाफ्त करें, उनको पढ़ें और फिर समझें, लेकिन हमको कहा जाता है नहीं इतना नहीं पढ़ना वरना पागल हो जाओगे। मेरे ख्याल में ऐसे पढ़ने से कोई पागल नहीं होता है, हमें फैसले उजलत में नहीं करने चाहिए, हम बहुत ताजील से काम लेते हैं, ताजीली जो है ना एक मामलात से गुजरते हैं कि हम जल्दी से पढ़ के कोई ईमान ले आए। तो अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान हैं, हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए। अब इसके बाद जो बाकी इल्म है, इल्म के मैदान को कभी भी जो है ना हम उस पर उसके दरवाज़े बंद ना करें और पढ़ते रहें। हम बिलीव क्यों लाएँ, इस पर नीत्शे ने कहा था देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल हु वॉन्टेड टू नो एंड हु वॉन्टेड टू बिलीव। जो वो कहना चाह रहा था वो यही कहना चाह रहा था कि लोग ईमान लाने के लिए पढ़ते हैं, कुछ लोग जानने के लिए पढ़ते हैं, जानकारी का अमल है, अच्छी बात है। कुछ लोग जानने के लिए पढ़ते हैं और कुछ लोग भेड़ बकरियां और बेचारे होते हैं यार, वो बस वो पीछे पीछे अंधी तकलीफ कर लेते हैं। मैं तो इसको इस तरह लेता हूँ, बाकी अब तू बता तेरे दिन में क्या। वो उसका कॉन्सेप्ट हर्ट पीपल मीडियोकर और उबरमेंश का एक अलग से, वो उबरमेंश यही वाला हर्ट पीपल मीडियोकर उबरमेंश वाला। तो यार ये लोग उबरमेंश सुपरमैन भी उबरमेंश से, ये लोग जो इतने एकदम से बगावत पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि रेबेलियंस में उस वक्त अपने दौर में तो काउंट होते थे ना, ये अलग बात है कि बाद में इनका नाम हो गया फिलोसोफर के तौर पर। तो वो उनके साथ माशरे में कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिन्होंने उनको ऐसा कर दिया, तो हमें उन मामलात को भी समझना चाहिए। हर चीज़ को हर जहत से देखने के बाद हमें कोई राय कायम करनी चाहिए कि वो ऐसी बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़। नीट्शे पे एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, नीट्शे पे तो पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। और अभी जो है ना वीडियो हमारी बहुत, नीट्शे का ही कोट था कि अ मैरिड फिलोसोफर व्हाट अ रिडिकुलस जोक, उसका कोट था, बहुत मशहूर था, तो मैं पढ़ रहा था तुझे, तो बोला था फलसफा वलसफा फिर कर लेना, अगर शादी कर ली तो फलसफा कर लो, फिर कर लो फलसफा, ठीक है, तुम ब्रेड एंड बटर नहीं करते रहना फिर ज्यादा था। फिर बेचारा ब्रेड एंड बटर, उसने मतलब एक बात कही। चलो ब्रेड एंड बटर पे ही जो है ना इसका इख्तिताम करते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, ओके ब्रदर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।